मेरा कार्यकाल सराहनीय है। पंचायत की जनता से समझने और पूछने योग्य है। जो हमने विकास किया है उसका परिणाम 110% फिर मैंने किया। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने इस महामारी में मदद पहुँचाने का, हर घर में नल जल की व्यवस्था, गली गली नल जल हर चीज़ का रखा पंचायत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव का शंखनाद बज चुका है। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को खत्म भी हो गया है। अब सबकी नजर मतगणना पर। दूसरे चरण का मतदान 29 सितंबर को है। ऐसे में लगातार मुखिया प्रत्याशी हो, 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव हो रहे हैं, 11 चरणों में मतदान होगा। ऐसे में बिहार के तमाम पंचायतों के प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। बातचीत इसमें हमारे सहयोगी रोहतास से अश्विनी पांडे ने, रोहतास जिले के काराकाट पंचायत से मुखिया विनोद सिंह से खास बातचीत की है। इस बातचीत में विनोद सिंह ने क्या कुछ कहा है, इस बातचीत को सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड के काराकाट पंचायत में, और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी हैं विनोद सिंह, जो कि मुखिया वर्तमान में रहे हैं। अब अपना जो है नामांकन इन्होंने करा लिया है और चुनाव में जीतने के लिए अपना दमखम लगा चुके हैं। हालांकि जो यहां पर मतदान होगा वह 8 अक्टूबर को मतदान होगा, और ऐसे में प्रत्याशी जो हैं अपना दमखम लगाने में जुट गए हैं। दिन हो या रात यह नहीं देखते हैं कि कब समय कैसे गुजर जा रहा है, लेकिन अपने जनता के बीच जाकर अपने अपने दाव को लेकर जा रहे हैं। इस वक्त हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम मुखिया जी से बात करेंगे कि मुखिया जी, जो आपने बीते 5 वर्षों में जो आपने काम किया है अपने पंचायत में, अपने पंचायत के 13 वार्ड में, तो क्या स्थिति रही, किस तरीके से आपका कार्यकाल रहा और कैसा कार्यकाल आपका बीता, ये बताना चाहेंगे। मेरा कार्यकाल सराहनीय है और पंचायत की जनता से समझने और पूछने योग्य है। यहाँ अभी आप बैठे हुए हैं, इस गांव में 2803,000 का वोट है जी जी, और बहुत बड़ी बस्ती है जी, लगभग 500 घर की बस्ती है, जहाँ एक भी गली नली ऐसा नहीं मिलेगा जो कि पंचायती राज में बाकी हो। इस पंचायती राज में जो हमने विकास किया है उसका परिणाम 110% फिर मैं मुखिया पुनः बनूंगा। एक सवाल रहेगा कि ये जो मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की बात कर ले, सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि इस वर्ष जो कोरोना काल जो पिछले 2 सालों से आया है और वैश्विक महामारी में जो लोग बाहर गए थे, मजदूर थे, जो गांव में आए, पंचायत क्षेत्र में आए, उन लोगों के लिए सबसे पहले आपने क्या कुछ व्यवस्था की? काल में मैं गिनती तो नहीं करा सकता हूँ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने इस महामारी में मदद पहुँचाने का काम किया। चाहे स्कूल में भोजन हो, चाहे दवाई हो, चाहे जाँच हो, चाहे जिस तरह की भी हो, चाहे कोरोना का सुइया हो, इस सब में मैं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ और लेता रहूँगा। अब बात करेंगे यहाँ की पंचायत की 7 निश्चय योजना की, जो मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, ये कितना सफल हुआ आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में धरातल पर है, एकदम दिख रहा है, हर घरों तक पानी मुहैया हो, पानी मुहैया हो जी जी, हर घर में नल जल की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नली गाली नल जल हर चीज़ का रखा पंचायत में नंबर 1, चाहे स्वच्छता हो चाहे जो भी हो, मैंने काराकाट बराबर पंचायत नंबर 1 पर रहा है और नंबर 1 पर रहा है। शौचालय की बात हो जी जी, तो मैंने शौचालय बनवाया, सभी लाभुकों को पहले पैसा दिलवा दिया। आवास की बात है, आवास अभी तक हमने 60-62 आवास बनाए हैं, अभी कोरोना काल के चलते सूची नहीं आ रही है, जैसे ही सूची आएगी तो 156 को मेरा चयनित सूची है, जिसको मैं जनता के बीच वितरण करूँगा। अब बात करेंगे यहाँ की सिंचाई की, चूंकि ये रोहतास जिला के अंतर्गत आता है और धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसे में सिंचाई को लेकर आपका क्या रोड मैप रहा? मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हर खेत पर पानी का, सिंचाई का व्यवस्था कर सरकार ने किया है, बिना बिजली, मुफ्त बिजली दे करके जी जी। किसानों को
सरकार ने जो दिया है उसका विवरण पंचायत के मुखिया लोग नहीं रख सकते हैं, जो सरकार ने काम किया है और जो सरकार के बल पर हम लोग कर रहे हैं वो सब चीज़ पंचायत के लोग प्रखंड के लोगों को देखने योग्य है। सिंचाई हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, हर चीज़ का सरकार जो व्यवस्था दी है हम लोग उसको पंचायती राज में घर घर पहुँचाने का काम किया। एक सवाल और आपसे रहेगा कि ये वृद्धा पेंशन योजना हो जिसमें फार्म भरना होता है या लाभुक होते हैं या मनरेगा के तहत मैं या जो भी विद्यार्थी होते हैं उनको RTPS काउंटर पर जाना होता है, प्रखंड की दूरी अमूमन जो है आमतौर पर दूर होती है। ऐसे में पंचायती राज मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि 15 अगस्त से जितने भी पंचायत हैं वहाँ पर संचालित होंगे जहाँ पंचायत सरकार भवन हो। ऐसे में आपके यहाँ पंचायत सरकार भवन है तो है, तो वहाँ की क्या स्थिति है, क्या वहाँ पर जो है RTPS काउंटर संचालित हो रहे हैं? रोहतास जिला में पहला कालाकट ऐसा पंचायत सरकार भवन है जहाँ की प्रखंड से भी अच्छा कार्यालय चलता है। जी जी, जहाँ RTPS काउंटर 2017 में हमने खोल दी रखा है। CCTV का व्यवस्था, मतलब जो भी व्यवस्था होता है इस पंचायती राज में मिला है, सारी व्यवस्था सारी सुविधा मेरे कालाकट सरकार पंचायत भवन मौजूद है। इस बार जो जनता फिर आपको दोबारा मैंडेट देती है, चुनती है, तो इस बार आप क्या करेंगे अपने पंचायत के लिए? आदर्श पंचायत के नाम से इसको हमको बहुत बड़ा माने बहुत बड़ा शौक हमको है और जिम्मेवारी भी है कि मैं कालाकट को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देखना चाहता हूं और उसको करके ही मैं दम लूंगा। इस बार जनता के लिए क्या अपील करेंगे? जनता से हमारी ये अपील है कि आप लोग जितना भी काम हो हमसे काम, जितना भी सामाजिक काम हो, विकास के काम हो, हमसे लेने की कृपा करें, हम करने के लिए तैयार हैं। इस बार के चुनाव में आप लोग किनको चुनने जा रहे हैं? हम लोग भूतपूर्व मुखिया जो है हमारे उन्हीं को चुनने जा रहे हैं हम लोग, और बहुत मजबूती के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अभी तो वर्तमान में है विनोद जी और दूसरी बार जो अपना भाग्य बना रहे हैं निवर्तमान जो हमारे मुखिया हैं विनोद जी, उनको हम उनके साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। क्या लगा कि मुखिया जी काम किए हैं अच्छा? हमारे पंचायत में जो भी काम हुआ है वो बहुत ज्यादा विकास का काम जितना भी हुआ है अन्य पंचायत से बहुत ज्यादा हुआ है और हम लोगों के नज़र में आगे भी जो इनका इनके साथ विकास के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों के सब जितना भी विकास का काम होता है हम लोग इनसे इनसे कराते हैं और आगे भी हम लोग को उम्मीद यही है कि हम लोग की सेवा करते रहेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। जी अपना नाम बताएं। श्रीनिवास सिंह मोहनपुर। इस बार के चुनाव में आप किनको चुनने जा रहे हैं? हम तो विनोद सिंह को चुनने जा रहे हैं। क्यों चुनने जा रहे हैं? विकास के नाम पर क्या कुछ किए हैं? बहुत किए हैं, गाँव में रोड, नल, कल, स्वास्थ्य, माने टोटल काम मजबूती के साथ किए हैं। काम ही किया है कि अन्य पंचायत, अन्य पंचायत में भी इनका विवरण हर पंचायत में बहुत अच्छा आ रहा। इस बार भी, इस बार भी क्या लग रहा है कि ये मजबूती के साथ ये चुने जा रहे हैं, जनता चुने जा रही है। जी अपना नाम बताएं। सुरेंद्र सिंह। अपने कैमरा पर्सन के साथ रोहतास के कालाकट से DTV भारत के लिए मैं अश्विनी पांडे।